हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी रसोई में आपका स्वागत है। मूली के पराठे, इस तरह से हमने मूली को छील लिया है। अब हम कद्दूकस कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा कद्दूकस हो चुका है। अब हम इसमें एक नमक तो फ्रेंड्स हमारा कद्दूकस हो चुका है अब हम इसमें एक नमक एक चम्मच ऐड कर देते हैं नमक का। तो इसका पानी पहले से बाहर आ जाएगा। एक प्याज काट रखा है, हम एक प्याज ऐड कर देते हैं इसमें। तीन चार मिर्च काट रखे हैं तो वो ऐड कर देते हैं इसमें। इतना धनिया काट रखा है वो हम इसमें ऐड कर देते हैं। अब हम इसे ऐसे मिक्स करके थोड़ी देर के लिए रख देंगे ताकि इनका पानी अलग से हो जाए। तो हमें बाहर का पानी ऊपर का पानी ज़्यादा नहीं डालने की ज़रूरत पड़े। इनको मिक्स करके हम 5 मिनट के लिए रख देंगे। तो फ्रेंड्स, हमने इतना लहसुन छील रखा है ये ऐड करेंगे इसमें दरदरा करके पीस के। तो फ्रेंड्स, हम आटा डाल रहे हैं अब इसमें। इतना हम बेसन डाल रहे हैं 1 कप। ये लहसुन डाल रहे हैं हम इतना। इतना हम अजवाइन डाल रहे हैं स्क्रेच करके। फ्रेंड्स, हम इतना लाल मिर्च डाल रहे हैं। 1 चम्मच और नमक हम डाल रहे हैं इसमें आटे के अनुसार। अब हम इसे मिक्स करते हैं। इसमें ज़्यादा पानी डालने की जरूरत नहीं पड़ती। 1/4 चौथाई हींग डाल रहे हैं हम। आटे को गूंथते हुए हमें इसे अच्छी तरह से हम गूंथ लेते हैं पहले। फ्रेंड्स, अब हमारा आटा तैयार हो चुका है। तो फ्रेंड्स, अब हमने आटा तैयार करके 2 तवे चढ़ा लिए हैं। फटाफट से हम पराठे बनाने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, देख लो, हमने आटा पराठे हमने बनाने शुरू कर दिए हैं। हमने 2 तवे क्यों लगाए फिर हम आपको बताएंगे। फटाफट से इसे हमारे पराठे बनाने में काफ़ी टाइम लगता है तो 2 तवे से फटाफट से बन जाते हैं। कई बार ऐसे बड़ा परिवार होता है तो आदमी को 2 तवे पर लगाओ और फटाफट से पराठे बनाओ। तो देखा फ्रेंड्स, ये हमने दोनों तरफ से सेक लिया है। कच्चा पक्का हमारा परांठा हो चुका है। अब हम ट्रांसफर करेंगे दूसरे तवे पे। फटाफट से इसे सिक जाएंगे हमारे परांठे। और इसी तरीके से हमें इतना बढ़िया हमारा परांठा तैयार हो चुका है। उसी आँच पे बनते ही है, लो फ्लेम पे बनते हैं और बहुत ही बढ़िया धीरे धीरे आराम से हमारे पराठे बन जाते हैं। इसी तरह से फटाफट परांठे हमारे सिक जाते हैं फ्रेंड्स। अगर कर सकते हैं आप,
इस तरीके से फटाफट बन जाते हैं फ्रेंड्स हमारे ये परांठे, ऐसे ज़्यादा टाइम नहीं लगता। फ्रेंड्स देखो कितना बढ़िया सिक्के तैयार हो चुका है ये, अब इसे वहाँ पर ट्रांसफर करेंगे। तो फ्रेंड्स देखा आपने कितना बढ़िया हमारा पराठा बन के तैयार हो चुका है, एकदम करारे खस्ता। हमारे पराठे फटाफट बनके तैयार हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स हमारे पराठे बिल्कुल बढ़िया खस्ता बन के तैयार हो चुके हैं, आप इसे दही के साथ भी सर्व कर सकते हैं, अचार और प्याज के साथ भी सर्व कर सकते हैं। थैंक यू।